करगी रोड रेलवे स्टेशन में ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग को लेकर नगरवासियों ने आज स्टेशन के सामने सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए रेलवे के अधिकारियों का ध्यान आकर्षण करते हुए ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग की है। साथ ही कहा कि अगर रविवार तक ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं हुआ तो रविवार को उग्र आंदोलन करने की बात कही है। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने रेलों के संचालन पर रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे रेलों का संचालन शुरू हुआ। लेकिन रेल मंत्रालय ने सिर्फ बड़े स्टेशनों पर ही ट्रेन रोकते हुए छोटे और मध्यम स्टेशनों पर ट्रेनों के रोकने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। ऐसे स्टेशनों में रेलवे के पुराने स्टेशनों में से एक करगी रोड का स्टेशन भी है। यहाँ भी पिछले 1.5 सालों से ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं हो रहा है। ट्रेनों के स्टॉपेज न होने के कारण यहाँ के दैनिक यात्रियों के साथ ही ऑटो रिक्शा चालक और व्यापारियों के व्यापार और व्यवसाय पर खासा असर पड़ा है। करगी रोड स्टेशन से हर दिन हजारों दैनिक यात्री बिलासपुर आना जाना करते थे। इसके अलावा अब यदि किसी को ट्रेन से सफर करना है तो उसे पेंड्रा या बिलासपुर जाकर ट्रेन पकड़ना पड़ रहा है, या जिसे करगी रोड स्टेशन उतरना है उसे बिलासपुर या पेंड्रा उतरना होता है और फिर उसके बाद ऑटो बस या किसी अन्य साधन से करगी रोड आना होता है। ऐसे में लोगों को समय के साथ ही धन भी अधिक लग रहा है। जी, आज जो धरना ट्रेन रोकने के लिए धरना आंदोलन किया गया तो निश्चित रूप से अभी कोरोना काल में कुछ ट्रेनें पैसेंजर ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर नहीं रुक रही है, ये मेरी संज्ञान में आई तो मैंने रेल मंत्री जी को 12/8 को ही पत्र लिखकर मांग किया था। बाद में जीएम के आने के बाद जीएम से भी ये अवगत कराया है, आज भी मैंने जीएम से बात की है। मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि इस क्षेत्र में आवागमन की सुविधाओं का अभाव है, ट्रेन ही इस क्षेत्र की जीवन रेखा है और ट्रेन स्टेशनों में नहीं रुक रही, इसलिए लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोजी मजदूरी करने वाले लोग भी ट्रेन से आते जाते हैं, आज उनके सामने रोजी रोटी की भी समस्या उत्पन्न हुई है। इसलिए पैसेंजर ट्रेनों का अभी तत्काल इन स्टेशनों में करगी रोड, कोटा, बेलगहना, खोंगसरा ऐसे स्टेशनों में रुकना आवश्यक है। उसके लिए मैं लगातार मेरी बातचीत हो रही है, मैंने पत्र भी लिखा है, आगे भी प्रयास करूंगा कि लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये चालित हो। जनता के मुद्दे को जिस फोरम में उठाने की जरूरत है निश्चित रूप से पूरी ताकत से उठाऊंगा और मैं जनता के हित के जो मुद्दे हैं उनको हमेशा उठाता रहूंगा, ये मेरा वादा है। जनता के हित में आप काम करेंगे, लेकिन जनता जब उसी उग्र होकर यहाँ पे स्टेशन आएगी तो आप भी शामिल होंगे? मैंने आपको कहा कि जनता के मुद्दे को जिस फोरम में मुझे उठाना है मेरी जवाबदारी के हिसाब से वो उठाऊंगा। आज आपके बीच में आया हूँ, इसीलिए आया हूँ कि आपकी बातों को सुनूं और आपकी बात जिस फोरम में रखना है पूरी दमदारी से रखूंगा। नगरवासियों ने आज इस परेशानी को देखते हुए करगी रोड रेलवे स्टेशन के सामने सांकेतिक धरना प्रदर्शन आयोजित कर DRM सहित रेलवे के अधिकारियों से अनुरोध किया है कि नगरवासियों सहित ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों सहित दैनिक यात्रियों के साथ ही ऑटो रिक्शा चालक और व्यापारियों के व्यापार और व्यवसाय पर खासा असर पड़ रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए पूर्व में जितनी भी एक्सप्रेस ट्रेनों व पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव हुआ करता था उसे पुनः चालू करने की अपील की है। अगर इस रविवार तक ट्रेनों का स्टॉपेज शुरू नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। नगर संघर्ष समिति कोटा के द्वारा करगी रोड स्टेशन के सामने ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर दिए जा रहे सांकेतिक धरना प्रदर्शन का समर्थन करने पहुंचे बिलासपुर सांसद अरुण साव ने कहा कि जनता की बात को फोरम में उठाऊंगा। आज के जो सांकेतिक धरना प्रदर्शन है उसके बारे में बताएं। आज जो धरना प्रदर्शन रेल यहाँ पे स्टॉपेज न होने के कारण करगी रोड स्टेशन में विगत बहुत सालों से 8 ट्रेनों का स्टॉपेज था, जो पूरे क्षेत्र के लोगों को काफी तकलीफ सामना करना पड़ रहा था। रोजी रोटी का भी सवाल है, पूरे क्षेत्र के ऑटो संघ हो चाहे कुली हो चाहे रोजगार बेरोजगार जो युवा साथी हैं जो बिलासपुर जाते हैं उनका हो, यहाँ के व्यापारी है, इन सभी के लिए और आने जाने के जो हमारे छात्र हैं उनके लिए भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, उसके लिए आज ये धरना आंदोलन किया गया। आगे इसके आज यदि इसकी मांग नहीं की गई है तो निश्चित है जो संघर्ष समिति के द्वारा निर्णय लिया गया है कि रविवार के दिन रेलों को आंदोलन किया जाएगा वो उसमें सभी का पूरे समर्थन है और इस बैनर तले हर पार्टी और सभी व्यापारी बंधु से लेके हर लोग इसका सहयोग करेंगे। रतनपुर से रवि ठाकुर की रिपोर्ट।